हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक और फ्रेश कमाल के व्लॉग में मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तो आज के इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं मेरा बर्थडे का व्लॉग का पार्ट टू, जो कि मैंने शूट किया था ऑफिस में। और शोरूम में क्या क्या हुआ मेरा मेरा बर्थडे वाला दिन आज आपको देखने को मिलेगा। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करी। बोले दोस्तों, तो अभी हो बज रहे हैं शाम के 4:30। अभी मैं आया हूँ शर्मास बेकरी एंड फूड हब दुकान में, जहाँ पे आपके भाई ने बहुत सारा सामान ऑर्डर दिया था अपने शोरूम में ले जाने के लिए। तो अभी सामान रेडी हो गया है, उसे लेके हम लोग जाएंगे शोरूम और एंजॉय करने वाले हैं हम लोग शोरूम में। शर्मा बेकरी एंड फूड हब लोकेटेड है गुरजुक में, और यहाँ पे काफी अच्छा अच्छा अभी जबरदस्त जबरदस्त मिठाई एंड बेकरी का सामान मिलता है। तो अगर आप लोग गुरजुक आते हैं तो शर्मा फूड हब एंड बेकरी में आना मत भूलिएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये चाय का काउंटर है एंड यहाँ पे एक फास्ट फूड का काउंटर है। तो फाइनली गाइस, अभी समय हो रहा है शाम के 5:30 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस के बाहर, और यहाँ पे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। और आज पहली बार, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए, पहली बार शोरूम का एक छोटा सा टूर दे दूं। एंड आई एम वर्किंग हेयर एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन सेल्स। 5 या 6 महीना हो गया मुझे यहाँ पे काम करते हुए। जो यहाँ का स्टाफ है वो काफी सपोर्टिव है, काफी मोटिवेट करते हैं मुझे, और मुझे यहाँ पे काम करके काफी अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग को बता दो, अगर आप लोग को एमजी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो ऑफिशियल नंबर है। तो काइंडली एक बार कॉल कर लेना और आ जाना एमजी का शोरूम में। मैं रहूंगा शोरूम में और आपका इंतजार करूंगा। तो चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर। सो वेलकम टू माई ऑफिस, वेलकम टू एमजी मोटर्स इंडिया। मैं तुम कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलो बोलो बोलो। मैं उद्देश्य का एसआर हूं, समझ रहे हो। बुकिंग तो देता है लेकिन काम में बहुत कहाँ कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बुलाता हूँ आओ ऑफिस, वो बोलता है मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा ना काम करने से। विजय बोले हमारा ऐसा वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, काम का नहीं है वो, इसलिए ऐसा है। ये हम लोग सबसे पुराना आरएम है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आज उद्देश्य का बर्थडे है, हम लोग अभी केक काटने वाले हैं, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए हम लोग के साथ। तो अभी आपका भाई केक कटिंग करने वाला है, तो अभी वो देखिए आप। तो ये है केक जो हमारे ऑफिस से सब लोगों ने दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप लोग को क्या लग रहा है, मैं कौन सा जीव दिखाई दे रहा हूँ आपको? हालत देख रहे हैं ना आप मेरा। हैप्पी बर्थडे उदेश। थैंक यू। कौन सा जीव नहीं बोलेगा। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, पर दिया किसने? थैंक यू फॉर द गिफ्ट, पर दिया किसने? शाबाश। ऑफिस की तरफ से है। ऑफिस का तरफ से। थैंक यू ऑफिस गिफ्ट देने के लिए और ऐसा बेस बनाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी देखा कि मेरा फेस पे पूरा केक लगा दिया गया था मेरा ऑफिस के स्टाफ लोगों की तरफ से। उसके बाद मैं गया था अपना फेस को धोने, और तब आप ये देखिए कि हमारा ऑफिस की एक दीदी है, उन्होंने क्या किया हमारा कैमरा को लेके। You can see her. गुगलू, ये भिगुड़ा है, ये रेखा है। Wow, beautiful girl in the floor.
ये मोटी है, ये शिल्पी है, केक है, ये मिंखोटा है। नीतू खलूस है, गुंडी है। ये सब बाय बेटे, ओ बेटे माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। जो काम मुझे करना चाहिए था वो दीदी ने कर दिया, तो दीदी थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रही है तो मेरा काम आसान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? हेलो दोस्तों, तो हमने अपना चेहरा तो धो लिया है और अभी हम वापस इंसान लग रहा है। अभी तो ना डीके से दारू लेगा। लेकिन एक सेकंड भाई, फिर से बोलो, कैमरा कैमरा बोलो, दारू पिला रहा है बंदा। हम बोले दारू पिला रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तेज का बर्थडे है और ये बहुत प्यारा है, तो आप सब लोग इसको ब्लेसिंग्स देना, ठीक है? और इसको सपोर्ट करना, इसका सब्सक्राइब करना चैनल, लाइक्स देना, ठीक है? ये हम लोग का ऑफिस का सबसे प्यारा उद्देश्य। थैंक यू दीदी। हेलो, यस हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी। दोस्तों तो आप लोग को बता दो, हम लोग का शोरूम स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 8 February 2020 और तब से लेके हमारा जो गुवाहाटी में शोरूम है, एक शोरूम है गुवाहाटी में, एक है डिब्रूगढ़ में, तो काफी अच्छा चल रहा है और आशा करता हूँ कि काफी अच्छा चले हमारा बिजनेस, हमारे सर का, हमारे ओनर का बिजनेस। और अब चलिए थोड़ा सा कार का डेमोस्ट्रेशन दूँ कि हमारे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट्स है और क्यों आपको वो लेना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो ये है हम लोग का MG का द मोस्ट सेलिंग कार, MG हेक्टर। दोस्तों तो हम लोग फिलहाल अभी आ चुके हैं MG हेक्टर प्लस 6-सीटर कार में और आप लोग को बता दूँ ये MG का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। एंड इसका स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट इनसाइड कार है, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेफ्टी फीचर्स का कोई कमी नहीं है एंड इट हैज अ बोल्ड स्टर्डी डिजाइन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कार्स व्हिच MG हैज टू ऑफर। दोस्तों तो चलिए MG हेक्टर में मैं थोड़ा सा चिटचैट कमांड यूज करता हूँ, अपना हेक्टर के साथ थोड़ा फन करने का कोशिश करता हूँ और आप लोग देखिए हमारा हेक्टर कैसे रिप्लाई देता है आपको, मतलब अब जर्नी में कभी बोर नहीं होने वाले हैं अगर ये गाड़ी आप चलाते हैं तो। हेलो MG, आई एम हियर, टेल मी हाउ एम आई लुकिंग टुडे? यू लुक अमेजिंग। हेलो MG, यस, Tell me who drives better, me or my wife? That's a very interesting question that I choose not to answer. देखा आपने क्या रिस्पॉन्स दिया इसने। प्लस हमारे हेक्टर में आपको गाना प्लस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, दैट इज फॉर 3 years एंड इंटरनेट इनसाइड कार है जो 3 years के लिए फ्री है एंड 5G रेडियस एम्बेडेड सिम है, तो आपको अलग से इंटरनेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपकी जो गाड़ी होगी वो होगी इंटरनेट कार। अभी चलिए और एक चीज दिखाऊं आपको। हेलो MG, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? खुल जा सिम सिम। और इसके साथ साथ आपको हेक्टर में CVT एंड MT का ऑप्शंस मिल जाता है एंड इसके अलावा हम लोग का पास और एक कार है जो है MG ZS EV, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त कार है एंड टू बी फ्रैंक वो एक बार चार्ज करने के बाद जितना किलोमीटर्स रेंज प्रोवाइड करता है वो बाकी और अदर कंपनीज के कार प्रोवाइड नहीं करते एंड EV 0 NVH के साथ आता है। तो चलिए अभी चलते हैं एस्टर के पास जो है इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस लेवल 2 कार। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं
हम लोग का नया कार जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो ये है हमारा MG Aster। ये जो गाड़ी है ये है इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस लेवल 2 कार। प्लस इसमें आपको AI बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट, इंटरनेट इनसाइट, जियो 7 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर्स मिलेंगे। जो भी फीचर्स MG प्रोवाइड करता है वो काफी हाई एंड फीचर्स प्रोवाइड करता है। वी आर सेफ्टी सेंट्रिक, सेफ्टी को लेके कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से आइए शोरूम में और गाड़ी आइए देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए और अगर पसंद आता है तो गाड़ी घर ले जाइए। तो बी फ्रैंक, मैंने खुद इस गाड़ी को, इसको, एस्टर को और हेक्टर को दोनों ड्राइव किया है, तो मुझे तो पर्सनली बोलूं तो काफी अच्छा लगा। दोस्तों चलिए आप लोग को एक बहुत ही अमेजिंग सा एक मैजिक दिखाऊं। हेलो एस्टर। हाय, हाउ कैन आई हेल्प? ओपन द सनरूफ। Hello, Esther. Hi. How can I help? Close the sunroof. दोस्तों तो एस्टर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे चिटचट फीचर्स हमारा एस्टर अंडरस्टैंड करता है और उस बेसिस पे आपको रिप्लाई करता है। हमारा शोरूम टूर बस इतना ही था और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा वापस अपने घर। वहाँ पर भी एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है आपके भाई ने, तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधे अपने घर। और हाँ, अगर आप लोग को हर एक गाड़ी के बारे में अच्छा से जानना है तो कमेंट कीजिए नीचे, मैं अलग से हर एक गाड़ी का पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। समोसा खाया भाई? समोसा खाया? समोसा नहीं, मिठाई खाया। मिठाई खाया ना? कैसा लगा? मिठाई में नशा है ना? मानसी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? तो ये है हमारी डुप्लीकेट HR मैम, मानसी मैम, द कॉपी ऑफ मानसी मैम, एंड दिस इज मिस्टर जीको। दोस्तों तो शोरूम से वापस मैं आया घर शाम के 7:30 बजे के आसपास, और फिर उसका बाद में मैं चला गया था कि एक और जगह पे अपने कुछ और दोस्तों को पार्टी देने। फिर वहाँ से मैं वापस लौटा लगभग 8:30 बजे के आसपास, तो तब मैंने केक कटिंग किया और घर में एक छोटा सा पार्टी रखा था हम लोगों ने। हेलो दोस्तों, तो आज के शानदार से व्लॉग में बस इतना ही था। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ।